अस्सलामुअलैकुम, मैं मुस्तफा मोस्की मुज्जू सदर मरकजी अंजुमन मातमी रूहान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये साल मुहर्रम में कोई इंसिडेंट नहीं है, बहुत पीसफुल मुहर्रम जा रहा है। पुलिस का फुली कोऑपरेशन है हमारे साथ, लेकिन कल एक हादसा पेश आया, वो स्टैबिंग रिपोर्टेड है चॉइस होटल लेन में। उसके बाद से पुलिस की ये रिक्वेस्ट है, डीसीपी मैडम भी बुलाए थे हमको, पुलिस की ये रिक्वेस्ट है कि उसमें अनफॉर्चुनेटली दोनों भी किया है। तो खैर, हमारा ये मानना है कि कोई हुसैनी किसी को चाकू नहीं मारता, वो क्या शैतानियत थी, वो मौला उनको नेक तौफीक दे। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, आपको मातम की पूरी आज़ादी है, आप हथियार इस्तेमाल करने की मातम के लिए मुकम्मल तौर पे आज तक की आज़ादी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, लेकिन उसका मिसयूज भी ना हो, ये सोच करके मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि कम्युनिटी को ब्रीफ करें इस बात से कि कंटिन्यूस आप हथियार कैरी मत करें, क्योंकि कभी रैंडम चेकिंग हो सकती है पुलिस की। अरबईन के दिनों में 18 के बाद से आपको हथियार तेज कराने की ये सब कुछ परमिशन है। अरबईन को जैसे हम लोग मातम करते हैं, पूरी आज़ादी के साथ आप मातम कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंटिन्यूस 24 आवर्स हथियार कैरी करेंगे तो फिर आप कानून की ग्रिप में आ जाएंगे। तो आपको भी चाहिए कि इस आज़ादी को निभाते हुए चलें, एक मिसाल पेश करें। इसका मिस यूज़ करके सारी कौम को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो छोड़ के गए हैं हमें, उसकी हिफाजत करें इस आज़ादी की। और मैं आपसे फिर ये बोलूँगा कि पुलिस कभी भी चेक कर सकती है, फ्रिस्किंग हो सकती है, तो आप लोग हरगिज़ कैरी मत करिए। हाँ, अगर आपके पास कोई खूनी मातम है किसी मजलिस में तो आप एरिया पीएस को रिपोर्ट करिए, आपको कोई रुकावट नहीं है मातम के लिए, लेकिन आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि भाई यहाँ खूनी मातम होता है, तो वहाँ पे परमिशन रहेगी, कोई आपको चेक नहीं करेंगे। लेकिन ये 24 घंटे अगर कोई कैरी करके घूम रहे हैं तो फिर वो क्रिमिनल होंगे, मजहबी एक्टिविटी के बजाय वो क्रिमिनल एक्टिविटी में चले जाएंगे और उस पर केसेस होंगे। तो इसको निभाते हुए चलिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी नेमत हमारे बड़ों ने हमें दी है कि इस आज़ादारी की हिफाजत करिए, इसको मिसयूज होने से बचाइए। पुलिस हमारे साथ मुसलसिल कॉपरेट करेगी है और हमको भी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं कि आप 18 सफर से आप लोग कैरी कर सकते हैं उसको तेज कराने के लिए। और सबसे पहले एक बात और बता दूं कि मातम के चाकू के लिए या कोई जंजीर के लिए आप इमाम की बारगाह में जवाब दे रहेंगे अगर उसका नाजायज इस्तेमाल हो तो। वो बड़ा मुकद्दस होता है, उससे आप किसी पे हमला करने के बाद आप मौला हुसैन की बारगाह में जवाब दे रहेंगे, इसके आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो डबल गुनाह में पड़ेंगे। कोई हुसैनी किसी पे चाकू इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम हुसैनियत के लम्बरदार है और कायम रहिए अपने रास्ते पे, अपने अकीदों पे, इसी को कायम रखिए। आने वाली नस्ल को बेहतरीन मुहर्रम हमको देना है, लिहाजा इसमें कोऑपरेट करिए। हम सब आपके साथ हैं, मरकज की हेल्पलाइन हमेशा तैयार है आपके लिए। किसी भी इशू के लिए आप हमसे या पुलिस से रुजू हो सकते हैं। शुक्रिया। अफसर जी, उनके अलावा जो तकलीफ दे रहे हैं उस ताल्लुक से क्या बताएंगे? उस पे केसेस बुक होंगे, केसेस बुक होंगे। सिर्फ मातम के लिए आजादी दी गई है आपको। जैसे कि पहले डिसाइड हुआ था कि जो हथियार वगैरह रखे जाएंगे अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो इसकी शनाख्त की जाएंगे कि ये लोग शिया लोग है या नहीं है, बल्कि शनाख्त। आप शिया भी हैं तो क्या 24 घंटे आप हथियार लेके फिरने के लिए परमिशन तो पार्लियामेंट से नहीं मिला ना आपको? आपको मातम की आजादी मिली है, मातम की आजादी। अगर 2 महीने 8 दिन के साथ साथ जो रख लेके दे रहे हैं, नहीं, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है? तो ये लोग के ऊपर केस बुक होंगे। आप 11-12 मुहर्रम को कम करना चाह रहे हैं,
बराबर करिए, लेकिन हम के लिए ही इस्तेमाल करिए। बात मखसूस मजलिसों में जो है ना मातम वगैरह रहता है उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा ना। आप मेरे को फोन कर दीजिए, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ डिपार्टमेंट को। आप उसका गलत इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे साल तमाम अगर आप अपने हथियार लेके घूमेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं हमको इसका परमिशन है, तो ये परमिशन किसी को भी नहीं दिया गया। आप अपनी आजादी को अच्छी तरीके से महफूज रखिए। आपको आजादी मातम करने के लिए दी गई है हथियार से, आप कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे? कम्युनिटी कानून के दायरे में रहे, आपको आजादी दे जा चुकी है ऑलरेडी। आपके सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सब कुछ सभी को मालूम है कि आप हथियार से मातम करते हैं, वो मेंटेन करिए। मातम के लिए आपको हथियार कोई चेक नहीं कर रहा है ना। अगर आप हमेशा कैरी करेंगे तो मतलब कि आपके इरादे गलत हैं, और जहां गलत इरादे रहेंगे वहां कानून आगे आएगा। हम कोई बिल्कुल ही सुपर स्पेशल नहीं है ना कि हमारे पे कोई कानून नहीं लगेगा। कानून तो अपना काम करेगा। आपको मुकम्मल तौर पे आजादी है, मातम के हथियार लेके घूम सकते हैं आप उन्हीं दिनों में जहां मातम है। आप साल तमाम कैरी नहीं कर सकते हैं। आपके घरों में है ये सभी को मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन वो फिर वो साल में निकलते हैं, वो मुहर्रम के लिए जाएंगे, फिर तेज होंगे, फिर उसे मातम होगा। आप किसी को मारने के इरादे रखते हैं तो फिर कानून अपना काम करेगा। आप इसकी हिफाजत करिए। किसी एक दो आदमी चार आदमी का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो तो सारी कौम पे नाम आएंगे ना। तो ये हुसैनियत को बदनाम करने की साजिश नहीं बोलेंगे इसको, इसका एहतियात करिए। जो मातम के चाकू हैं वो मातम में ही यूज हो सकते हैं, और वो जब ही निकलते हैं जब मातम है। अदरवाइज आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आएंगे तो कानून अपना काम करेगा, और साथ में यह होगा कि आप कौम को बदनाम करेंगे, पूरी कौम और मुहर्रम पे इसका असर पड़ेगा। कल एक छोटी सी स्टैबिंग में आज सुबह से मीटिंग चली। इसकी हिफाजत आप लोगों के जिम्मे है, इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके नतीजे पूरी कौम पे नाम आएगा। हाँ, हर कौम में क्रिमिनल है, लेकिन हमको ये चाहिए कि इन दिनों में अपनी कौम की हिफाजत करें। और उलमाए किराम से भी मेरा मारूजा है कि आप 10 मिनट की मजलिस पढ़ें तो 2 मिनट कम से कम इस्लाह माशरा पे पढ़ें। ये जो हथियारों के इस्तेमाल है या नशा के इस्तेमाल है, हथियार तो सिर्फ मजलिस के लिए निकलते हैं वो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन गांजा आमतौर पर सारे शहर में आम हो गया, उसका असर कुछ हमारी भी कौम है उसमें भी है, हम भी पार्ट ऑफ द सिटी है उसमें हमारे पास भी है। तो ये खास तौर पे हम पे ज्यादा जिम्मेदारी है। आप अच्छी कौम अपने आप को सुपीरियर सबसे बेस्ट समझते हैं तो फिर बेस्ट डिलीवर भी करना चाहिए ना। तो उलमा ज़ाकिरीन का भी मेरे से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट कम से कम, 10 मिनट की अगर आप कहीं मंदिर पढ़ें, इस्लाह माशरा पढ़िए, हुसैनियत बताइए कि क्या होती है। आप किसी को तकलीफ देके हुसैनी नहीं बोल सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।